नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, प्रत्येक राशि के बारे में हम बताते आए हैं, कौन सी राशि कैसी होती है, किस लग्न में किस राशि में उत्पन्न होने वाले लोग किस प्रकार के होते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, शरीर का उनका जो है शरीर की रूपरेखा बनावट किस प्रकार की होती है, उनका स्वभाव कैसा होता है। अब हम मकर राशि के बारे में बताएंगे, लेकिन इस राशि को जानने से पहले आप हमारे इस श्री वशिष्ठ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, धर्म ग्रंथों से संबंधित जानकारियां आपको प्राप्त हो सकें। अब मकर लग्न वाले जो होते हैं, मकर लग्न का मालिक शनि होता है, स्वामी शनि होता है। मकर लग्न वालों के लिए सबसे पहले मैं उनके धारण करने योग्य रत्न बता रहा हूँ। मकर लग्न वालों को नीलम पहनना चाहिए। दूसरे नंबर पर मकर लग्न वाले जो है उनके लिए दूसरा जो रत्न है वो होता है हीरा, और तीसरा रत्न जो उनका जो होता है वो होता है पन्ना। तो हीरा, पन्ना और नीलम, ये तीन रत्न आपके लिए आवश्यक भी हैं, लाभकारी भी हैं, और इनको टेस्ट करने की आवश्यकता भी आपको नहीं रहेगी। तो आइए अब हम चलते हैं मकर राशि के लिए। तो मकर राशि के अंदर किस किस नाम के लोग मकर राशि के होते हैं, सबसे पहले आप उस बात को जान लीजिएगा। भौ, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी, ये जो अक्षर हैं ये मकर राशि में आते हैं। मकर राशि और मकर लग्न अलग अलग होता है, लेकिन उनके लक्षण प्रायः मिलते हैं। तो अब चलते हैं मकर राशि के लिए। तो मकर लग्न अथवा मकर राशि के जो लोग होते हैं वो एक तो दुबले पतले होते हैं, लंबे होते हैं। पृथ्वी तत्व प्रधान राशि होने के कारण ये जातक सावधानी बरतने वाले होते हैं, बचत करने वाले होते हैं, तथा कार्य को जो है व्यावसायिक ढंग से जो है पूर्ण करने वाले होते हैं, और ये अपने कार्य को धीरे परंतु धैर्य के साथ में जो है पूर्ण करते हैं। इनमें आत्मविश्वास की भावना की कमी नहीं होती। प्रत्येक कार्य को पूर्ण विचार करने के उपरांत ही प्रारंभ करते हैं। इनमें सहन करने की जो शक्ति है गजब की होती है। ये साधारणतया आशावादी नहीं होते, ऐसे जातक रूढ़िवादी विचारधारा के होते हैं। ये जातक जीवन के अंदर समस्याओं की चिंता नहीं करते, और इसलिए प्रारंभ किए हुए कार्य को पूर्ण करके ही ये दम लेते हैं। ऐसे जातकों का विवाह थोड़ा सा विलंब से होता है। इनका दाम्पत्य जीवन सामान्यतया सुखी नहीं होता है, कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार का उसके अंदर जो है उतार चढ़ाव रहता है। ये अनुशासन प्रिय होते हैं परंतु अधिक बोलते हैं। इनका स्वभाव उग्र होता है, और कार्य के अंदर असफल हो जाने में इनमें हीन भावना आ जाती है, और इनकी अगर कोई त्रुटि बता दे तो बहुत जल्दी ये नाराज हो जाते हैं। इस कारण इनका स्वभाव थोड़ा सा अड़ियल प्रकार का होता है। ये प्रायः अपनी बात दूसरों पर थोपते गए। लग्न के ऊपर अशुभ ग्रहों का अगर प्रभाव हो तो ऐसे जो जातक होते गए चोर भी हो सकते गए, उचक्के हो सकते गए, ठग हो सकते गए, और डाकू हो सकते गए। लेकिन अगर शुभ प्रभाव हो तो ये ईमानदार होते गए, कर्तव्यनिष्ठ होते गए। इन जातकों के अंदर स्वार्थ परायणता होती है, और ये ऐसा रूप बदलते हैं कि लोग इनको देख करके हक्के बक्के हो जाते हैं। तो इसलिए ये अच्छे अभिनेता भी सिद्ध हो सकते हैं। धन प्राप्त तो इनको होता ही रहता है, लेकिन ठहरता इनके पास में नहीं है। इस लग्न के जातक इंजीनियर हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, भूगर्भ शास्त्री हो सकते हैं, तेल के व्यवसायी हो सकते हैं, व्यापारी होते हैं, सरकारी नौकरी भी इनके लिए जो है उपयुक्त व्यवसाय होता है। और इस लग्न के अंदर
अब से पहले जो उत्पन्न हुए उनमें जो प्रसिद्ध लोग हुए उनका नाम मैं आपको बताता हूँ, जिनमें महाराणा प्रताप, संजय गांधी, ऐसे लोग जो है इस लग्न के अंदर उत्पन्न हुए हैं और उसका जो है गुण उनके अंदर देखा गया है, पाया गया है। तो सज्जनों, अब जो है आप अगर कभी भी फोन करें तो सुबह 10 बजे से लेकर के सायंकाल 6 बजे के बीच में फोन करें। दूसरे नंबर पर वही लोग फोन करें जिनके पास में अपनी जन्म की डिटेल है, जन्म की तारीख है, महीना है, सन है, समय है, जन्म स्थान है। तो ये 5 चीज़ों की हमें आवश्यकता हुआ करती है। तो जब भी आपको कोई आवश्यकता हो तो इन नंबरों पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर के और फिर आप जो है अपनी समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते हैं। समस्याओं के लिए जो है कोई भी उपाय आदि जो है आप ढूंढ सकते हैं, मांग सकते हैं और पूछ सकते हैं। नमस्कार। देवज्ञ सचिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे यूट्यूब चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।